अरे सुन ना भाई, हल्ला मत कर, ये हम लोग का, अरे हल्ला मत कर यार, यार दशहरा या ईद या और मुहर्रम, ये सब ऐसा पर्व है जहाँ पर सब लोग अपने पूर्व विचारों को त्याग करके बात करते, मिलते जुलते हैं और मिलजुल करके नए ढंग से चलने की बात करते हैं। इस मायने में कल भी हमको हज भवन में बुलाया गया था, फोन किया गया था, हम चले गए थे और वहीं जाने के बाद नीतीश कुमार वहां थे, इनसे हमने कहा कि आपने हमको बुलावा भेजा, हम आ गए, हमारे के यहाँ भी गरीब के यहाँ आकर के आप एक ग्लास पानी पी लेते तो बड़ी अच्छा है, उन्होंने स्वीकार किया कि हम आवेंगे। तो कहने का मतलब है पर्व में एक दूसरे के घर आने जाने का एक सिलसिला लगा रहता है, पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसको कोई संभावना है क्या कि जो अभी बिहार राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ही है, इसको कहीं नहीं कोई नहीं नकार सकता। और रही बात आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जबकि लोकसभा में प्रचंड बहुमत सामने आई है, तो उनका जो प्रचंड बहुमत है हम लोग मानते हैं कि यहाँ की जनता को भ्रम में डाल सम्मान, चाहे राष्ट्रीयता का मामला हो, चाहे धार्मिकता का मामला हो, चाहे सेना का मामला हो, इसको करके आज वो आ गए हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान भारत के सामने, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं सांप्रदायिकता के आग में हम लोगों को झुलस नहीं दिया जाए। इसीलिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, एकदम चाहे जो भी हो, सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का हम लोग ने ये किया है। चुनाव आयोग ने भी इस बात को नकारा है, जिसकी आशंका हम लोग करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी प्रकार की दलील दी है जिससे हम लोग आहत हैं। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर EVM से चुनाव कब तक होगा, और जब तक EVM से चुनाव होते रहेगा, जो गत लोकसभा में स्थिति संसार के अनेकों देश जहाँ पहले होता था सब लोग उसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो हिंदुस्तान में जब हम लोग कहते हैं कि EVM में गड़बड़ी है, तो इस चीज़ को अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग निश्चित रूप में 21 विरोधी पार्टियाँ चुनाव आयोग से मिला था और उसके बाद वोट में भी जाने का काम किया था। अब इन लोगों ने हम लोग की बात नहीं मानी है, तो हम लोग यही सोचेंगे कि अब इसको जन आंदोलन का रूप देंगे, और जन आंदोलन के साथ साथ यहाँ तक भी हो सकता है कि यदि EVM से चुनाव करेंगे तो हम EVM से चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ऐसे भी जीत जाना है, वैसे ही जीत जाओ, चुनाव में हम लोगों को जाने का क्या उचित है। मांझी साहब, इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली नहीं नीतीश कुमार को, वो भी बहुत आहत है, अगर वो महागठबंधन में आना चाहे तो स्वागत रहेगा। देखिए, जगह उनको मिली ना मिली उनका अंतिम मामला है, और जहाँ तक गठबंधन में आने जाने का मामला है, वहाँ पर जीतन मांझी अकेले गठबंधन में नहीं है। अब बहुत सी बातें ऐसी होती है कि व्यक्तिगत पार्टी पर कुछ निर्णय ले लेते हैं लोग, तो वो निर्णय पार्टी होती है, हम अपने तय क्या कर सकते हैं। जब महागठबंधन की बात है तो हम लोग 6-7 पार्टियां हैं, उसके बाद ये महागठबंधन की बैठक होगी, और बैठक में हम लोग तय करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ किस हद तक सहयोग दे सकते हैं, वो भाजपा को देश से एलिजिकेट करें। BJP को नेता दिया था आपने आज? हाँ, नहीं, हमने नहीं दिया, वो हमको नहीं दिए थे, तो हमने उनको भी नहीं दिया। ठीक है, महागठबंधन अपनी बैठक में इस बात को रखेगी कि उनको शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बैठक में मुद्दा कम से कम ये सवाल है कि हम कहने वाले के लिए कौन है। महागठबंधन में बहुत से मुद्दे आते हैं, वो आपके माध्यम से तो नहीं कहा जा सकता है, समय बताया। ठीक है ना, मान लीजिए व्यक्तिगत इच्छा क्या है कि वहाँ के लिए? व्यक्तिगत इच्छा यही है हमारी कि किसी भी परिस्थिति में हमारा देश को बचना चाहिए, जो इसका संघात्मक ढांचा है, अनेक प्रकार के लोग यहाँ हैं, भाषा बोलते हैं, वेशभूषा मोबाइल वाला इतना तबाह करता है, पहनावा होता है।